Here is question number 4 of page 3 try these. We are given two digits, 2 and 3. And we have to form a 4-digit numbers. हमें दो 4-digit के numbers बनाने हैं और हमें इस 2 और 3 को use करना है. और इन दोनों digits को हम दो बार use करेंगे. This is written in your statement. ये statement में लिखा हुआ है. Both digits equal number of times. Equal number of time मतलब दोनों अगर digits को आप use कर रहे हो तो दोनों बराबर बराबर आने चाहिए. ऐसे नहीं कि एक जो digit है वो दो बार आ गया, एक तीन बार आ गया, या एक एक बार आ गया, दूसरा तीन बार आ गया. ऐसे नहीं. दोनों digits को आपने equal number of time use करना है. मतलब हम ले लेते हैं कि 2-2 times दोनों को use करना है. तो आपको 4-digit के 2 numbers बनाने थे. तो मैंने 3 को 2 times लिखा और 2 को भी 2 times लिखा. तो मेरा number बन गया 3322. And another number I am writing, मैं 2-2 को पहले लिख रही हूँ, 3-3 को पीछे लिख रही हूँ, so my number is 2233. Now we have to choose इसमें से greatest number कौन सा है. इसमें से greatest जो number है वो है 3322 और जो smallest है that is 2233. Next is extra statement question based on Roman numerals. यहाँ आपको मैंने statement given है और या I am going to read the statement first. There are 41 girls in a class and there are 42 boys in that class. एक class में 41 girls हैं और उसी class में 52 boys भी हैं. Find total number of students in the class. आपको बताना है total number of students कितना होगा and write your answer as per Roman numeration. आपको अपना answer Roman numeration के according लिखना है. ठीक है. तो पहले आपने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड अप कर लिया बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए क्लास. जब आपने ऐड कर दिया दिस इज 93, बट आपको आंसर 93 नहीं लिखना, आपको आंसर में रोमन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है. तो आप 93 को कैसे लिखोगे, यू विल राइट 90 एंड देन यू विल राइट रोमन नंबर फॉर 3. तो 90 का रोमन नंबर क्या होगा, आप 100 के पीछे एक्स लगा दो. जब आप पीछे की तरफ एक स्मॉलर रोमन नंबर यूज करते हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस. तो 100 माइनस 10 दैट मींस 90. एक्स सी राइट 90 को रिप्रेजेंट करेगा. देन आप 3 के लिए 3 मार्क्स लगा दीजिए. तो हमने लिख दिया 93 एज पर रोमन न्यूमरेशन. हमारा आंसर रोमन्स में आ गया. नेक्स्ट इज सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज अगेन फॉर रोमन न्यूमरेशन. I'm going to write the statement first. Question number 2. Statement is, a van carries 13 passengers. A van can carry 13 passengers. How many passengers can be carried in 6 such vans? How many passengers can be carried in 6 such vans? एक वैन के अंदर 13 पैसेंजर्स बैठ के जा सकते हैं. तो आपको बताना है कितने पैसेंजर्स कैरी हो सकते हैं 6 vans के अंदर. ओके, 6 such vans. राइट योर आंसर. योर आंसर एज पर रोमन न्यूमरेशन. आपको रोमन नंबर में अपना आंसर लिखना है. लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. I am going to rough this previous one. So how you will be doing that? आपको एक वैन में पता है कितने पैसेंजर्स हैं, तो 6 वैन्स में कितने होंगे? How you can find that? You will multiply. Okay? So how you will be writing passengers in one van? Those are 30 passengers in 6 vans. And those will be 13 multiply 6, that will be 78. So passengers जो travel कर सकते हैं 6 vans में वो होंगे 78. Now you have to write your answer as per Roman numeration. तो पहले हम 70 के लिए लिखा और फिर 8 के लिए. Okay? 70 के लिए आप लिखेंगे और फिर 8 के लिए. ये देखो, ये मैंने 8 के लिए लिख दिया. 5
5, 6, 7, 8. ओके, अब 70 के लिए लिखना है मुझे, 70 कैसे लिखेंगे? 50, 60, 70. ये 50 का सिंबल, 60, 70. ये 70 के लिए न्यूमरेशन और ये 8 के लिए. तो दिस इज योर आंसर एज पर रोमन न्यूमरेशन. दिस इज डन. नेक्स्ट इज ट्राई दीज ऑफ पेज 11. Now we will be doing. You please complete this. After that, we will be starting. Try these on page 11. Hurry up. Be quick. Now I'm going to tell you the homework for today, and that is try these on page 20. 20 पेज के ट्राई दीज आपको करने हैं. आई एम गोइंग टू शो यू. ये आपके टॉप के ऊपर दिए हुए हैं, पेज 20 और टॉप के ऊपर दिए हुए हैं. दीज ट्राई दीज यू विल बी डूइंग हियर. आप इसके ऊपर ही कर लेना. ओके, पेज 20 के. एंड नेक्स्ट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पेज 5. इसको आप कॉपी पे करोगे. ये देखिए, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं गिवन है, आप इन नंबर्स को असेंडिंग में, इसको भी असेंडिंग में और इन दोनों को डिसेंडिंग में करोगे. मेक सच एग्जांपल्स पे क्रॉस कर दो. हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बेटा. वी आर डूइंग जस्ट सिंपल क्वेश्चन. असेंडिंग और डिसेंडिंग के दो क्वेश्चंस करोगे. ये जो 10 सच एग्जांपल्स फ्रेम कर रही है उस पर क्रॉस कर दो. ये क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी पे करोगे. इज इट क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन 2. Should we move further? हमारे try this page 7 के भी रहते हैं और 11 के भी रहते हैं. We will try to finish one try this today and next can be done tomorrow. Let us start with page 7 try this. These are very very simple. These try this questions you are already doing from class 3rd. आप 3rd से करते आ रहे हो, उसको words में लिखना, given number को और उसकी expansion लिखना. ये आपको ऑलरेडी आता है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग. दीस आर ट्राई दीस पेज 6. यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ बुक से. पेज 6 के ऊपर ट्राई दीस दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है इसको बुक पे कंप्लीट कर लो, बट यहाँ स्पेस कम है. सो यू आर डूइंग ऑन द नोटबुक. यहाँ पे नंबर नेम लिखा 20,000 और उसकी एक्सपेंशन लिखी. फिर यहाँ नंबर नेम लिखा 26,000, उसकी एक्सपेंशन लिखी. ऐसे ही सारे नंबर के नंबर नेम्स लिख रहे हैं और उनकी एक्सपेंशन लिख रहे हैं. इन नंबर्स को आपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना है. ठीक है, तो हम इनके नंबर्स की एक्सपेंशन को लिख रहे हैं जो नेक्स्ट पेज पे साथ में दी हुई है. जो ये ब्लैंक्स खाली है, यहाँ स्पेस कम है, तो हम नोटबुक के ऊपर करेंगे. योर फर्स्ट नंबर इज 50,000. नंबर नेम भी लिख लो और उसकी एक्सपेंशन भी. सेकेंड नंबर 41,000. स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. आई विल नॉट राइट ऑल द आंसर्स ऑन द बोर्ड. थर्ड इज 47,300. 576,300. 29485 29085 20085 20085. इनका आपको नंबर नेम भी लिखना है और इनकी एक्सपेंशन भी लिखनी है. नंबर नेम फॉर फर्स्ट नंबर That is 50,000. Forty-one thousand.
1000. Next is 47,300. Next is 57,630. Next is 29,000. Better you do it yourself and then you can check your answers from the board. 29,485. Then it's 29,085. There is 20,085. And last is 20,005. So I have written all the expanded form, all the number names here. Now I have to write expansions for these. I think you can complete it yourself. Now the expansions. Or you can say expanded form. आप zeros के लिए छोड़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो as per your wish. 50,000, that means 5 into 10,000. Then is 41,000. 4 multiplied 10,000 plus 1 multiplied 1,000. ये हो जाएगा 40,000 और 1,000 41,000. नेक्स्ट इज 47,000. ये आप इसके बेटे मार्क भी कर सकते हो 1, 10, 100, 1,000, 10,000. आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. अदरवाइज आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, थर्ड क्लास से आप कर रहे हो तो आपको वैसे भी अगर पता चल रहा है देन इट इज ओके. 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपको 10,000 से प्लस 7 मल्टीप्लाई 1,000 देन प्लस 3 मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट के लिए तो जीरो जी है. देन इज 5 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1,000 देन इज 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0. या फिर आप स्किप भी कर सकते हो 0. नेक्स्ट इज 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 9 multiplied 1,000 plus 4 multiplied 100, 8 multiplied 10 plus 5. Next, 2 multiplied 10,000 plus 9 multiplied 1,000 plus 8 multiplied 10 plus 5. Next is 2 multiplied 10,000 plus 5. तो इस तरह से आप अपने नंबर नेम भी लिख सकते हो और एक्सपेंशन भी लिख सकते हो. देयर इज नो नीड टू लुक फ्रॉम द बोर्ड एंड राइट इन योर नोटबुक. आप सिंपली अपना वर्क खुद भी कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक फ्रॉम द बोर्ड. So here we are given some numbers. We will be writing number names and then we will write the expansion for these numbers. As you can see here that these numbers are in 6 digits. These 6 digits
नंबर है सो ये लैक्स में भी आएंगे. प्रीवियस जो हमने ट्राई दीज किया उसमें सिर्फ थाउजेंड तक थे क्योंकि फाइव डिजिट नंबर थे. ओके अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसकी एक्सपेक्टेड फॉर्म के लिए 4,57,928. ओके इट विल बी 4 लाख. Now what will be the expansion for this? 4 multiplied 50. That is 4 multiplied 1 lakh plus 5 multiplied 10,000 plus 7 multiplied 1,000 plus 9 multiplied 100 plus 2 multiplied 10 plus 8. This is the expansion form for first number. Okay. Now is second number. Let us write number name for this. This is 4,07,928. And now the expanded form. It is 4 multiplied 1 lakh plus 7 multiplied 1,000 plus 9 multiplied 100 plus 2 multiplied 10 plus 8. Okay. Next is C card. Number is 400829. That means it is 4,829,000. And write the expansion for this. This is 4 multiplied 1 lakh. Then 8 multiplied 100. Plus 2 multiplied 10 plus 9. Fourth number is 4,00,029. Let us write number name for this. It is 4,29,000. Okay. And what is the expansion? 4 multiplied 1 lakh plus 2 multiplied 10 plus 9. These expanded forms and number names you are already doing from class 3rd, so you must be very frequent with these. आप सबको ही आता होगा.